आपको करना क्या है, ये सपना पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन है कि आपका कंज्यूमर होना बड़ा जरूरी है। उस व्यक्ति के लिए बिजनेस के अंदर कामयाब होना बिल्कुल लगभग नामुमकिन है जिनके बारे में मैं आपसे बात करूं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इसी वक्त इस हॉल से जा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि गलती से आप उस बिजनेस के अंदर आ गए। और वो है जो आदमी या तो चाइना पीता हो, वो आदमी जो नहाने के लिए साबुन लगाता हो, वो आदमी जो दांत साफ करने में पेस्ट लगाता हो, वो आदमी जो क्रीम लगाता हो, वो आदमी जो वो तमाम चीजें जो हमारे बिजनेस के अंदर आती है उसे कोई एक चीज इस्तेमाल ना करता हो उसके लिए बिजनेस नहीं। ऐसा कोई है? कोई नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बिजनेस है, राइट? सभी लोगों के लिए बिजनेस। पहली कंडीशन आपको फुलफिल कर दी आप लोगों ने कि आप कंज्यूमर हैं। दूसरी चीज जो आपको फुलफिल करनी है वो है कि आप लोग ड्रीमर होने चाहिए। सर ड्रीमर से मतलब क्या होता है? सपने देखने वाले, जिनके सामने लक्ष्य हो, सपने हो कि जहां पे आज मैं हूं यहां से आगे हूं। आज मान लीजिए आप वहां बैठे हुए हैं, आपका सपना हो कि एक दिन मैं यहां पर आऊं और मेरे लोग यहां बैठे। तैयार है? Yes. हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो भी आपको आती है, और नहीं आती है तो किसी बगल वाला से आप बात कर लीजिएगा। अपनी कॉपी के अंदर आप अपने 5 ऐसे ड्रीम लिखें जो आपको लगता है, मेरे पास सुन लीजिए, जो आपको लगता है कि जो बिजनेस, जॉब, जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसमें आने वाले 20-25 साल में या तो संभव नहीं है या फिर कभी भी संभव नहीं है, लेकिन मैं वो 5 मेरे सपने हैं जो पूरा करना चाहता हूं। अगर मुझे मौका मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले मैसी जैसा, तो मैं उसे पूरा करके रहूंगा या मैं पूरा करना चाहूंगा। ऐसे कोई भी 5 नहीं, कोई बात नहीं, सोचिए 5 कोई चीज, कोई भी 5 ड्रीम आपका, वो कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा नहीं आपको। जो अभी आपको लगता है कि पैसे की कमी की वजह से अन्य कारणों की वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जैसे आपके पास आ जाए तो आप ले लेंगे। कुछ भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, घर, कुछ भी, यानी कि जो आप चाहते हैं। 5 लेकिन 5 होने चाहिए, बातें नहीं करनी है। बातें से कोई कर सकते हैं जिनको मुंह में पेंसिल रख के लिखना पड़ रहा है, उनके हाथ अभी काम नहीं कर रहे किसी वजह से, वो बातें कर सकते हैं। बाकी सब लोग जो है लिखेंगे 5 ऐसे ड्रीम जो वो इस अपने जीवन में पूरा करना चाह रहे हैं। एनी 5 ड्रीम्स आने वाले वक्त के अंदर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वहां से तो कभी नहीं हो सकते। सर बातें, मैं बातें नहीं करेंगे जब तक मेरे हाथ में माइक है, आपके से कोई व्यक्ति तब बोलेगा जब आपको बोलने के लिए कहा जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप इस ट्रेनिंग का बेस्ट लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज डू नॉट टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे से बातें ना करें। इस वक्त आप अपने सपने के बारे में सोचें, पूछें अपने आप से कि 5 क्या वो बड़े सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, और अगर वो 5 चीजें लिखने में आपको परेशानी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं। जीवन आपका चल रहा है, वो उसको आप ढो रहे हैं, उसकी कोई प्लानिंग आपके पास में नहीं है, या किस दिशा में आपने सोचना बंद कर दिया। अगर ऐसा कुछ आपके पास में नहीं है, और जो लोगों के पास में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप एक ड्रीमर हैं, क्योंकि आपके पास में अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए कुछ ना कुछ संकल्प आपके पास में, जो भी आपने उतारे हैं अपने पेपर पे। चलिए मैं सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं, कोई कार लिखे तो कार लिखते हैं, कोई घर लिखना है कुछ भी, एक लाइन लिखते, इतना समय हमारे पास नहीं, लिखे सब लोगों ने। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए, आपको लगता है कि अगर आप जॉब के अंदर हैं तो इन सपनों को आने वाले 5-10 साल के अंदर पूरा नहीं कर सकते, ऐसा है? नहीं कर सकते ना, राइट? तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर जितनी चीजें आपने लिखी है, पैसा अगर कोई
बंदिश ना हो, वैसा अगर कोई बंदिश ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो कितने लोग अपने इस सपने को इमीडिएटली पूरे करने लग जाएंगे। सारे हाथ पता नहीं कर रहे, एक दूसरे देखिए यार, चलिए सारे लोग करना चाहेंगे। yes. कोई भी एक ड्रीम को बताना चाहेगा, एनी ड्रीम, जल्दी 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 एक एक कोई भी बताइए। चलो कितना टोटल पैसा कितना लग जाएगा, टोटल पैसा कितना लग जाएगा, 20-25 लाख। हाँ जी मैडम, आप बताइए कितना लग जाएगा, 3-4 लाख रुपए हजार लेके जाएंगे, 4-5 लाख लग सकता है। सर छतरपुर कितने करोड़, 2 करोड़। चलिए अच्छा ठीक है ठीक है जी। हाँ कितना लग जाएगा, 5 लाख। और डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने लोगों ने घर का, गाड़ी का, कार का कोई ऐसी चीज लिखी है, अगर वो पैसा अभी उतना आपके पास में आ जाए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो तुरंत आज रात ही अपना नया घर खरीद लेंगे, नई गाड़ी खरीद लेंगे, इतना पैसा अगर आपके पास आ जाए तो आज ही अभी, कोई सब्र नहीं है, तुरंत अभी फैसला है, इतना दम है, इतनी एनर्जी है, या पैसा जैसे इतना आएगा भाग जाएंगे डर के मारे। वो जो पैसा है लक्ष्मी ने कुछ भी साहब कह ले, उसी के पास जाती है जो उसके लायक होता है। सिर्फ दरवाजा खोलकर दिवाली वाले दिन रखने से काम ही चलता, उस लायक आपको बनना ही पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तो अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि ये सब हम कैसे पूरे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को कैसा बनाना है, जानना चाहेंगे? yes. जानना चाहेंगे? yes. चलिए तो अभी जो मैं आपको सामने स्क्रीन पे बताऊंगा, ये सारा इंग्लिश में आएगा, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, मैं हिंदी बोलूंगा, आपने हिंदी में समझना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पहले बात जो है वो सुनने में ध्यान लगाइएगा, ठीक। और जो स्क्रीन पर आएगा उसको हूबहू नोट करने की जरूरत नहीं है, जो बात आपको अच्छी लगे मेरे बोलने में उसको आप नोट करें, क्योंकि वही बात आपके साथ हमेशा रहेगी। जब कभी भी कॉपी उठा के देखेंगे आप, आपको याद आ जाएगा कि ये बात मैंने पूरी की थी, क्योंकि उसको आप अपने जीवन में उतारना शुरू भी कर देंगे। यस और नो? चलिए तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अब मैं, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों ने लॉकडाउन में ज्वाइन किया है, एक थोड़ी सी मैंने भूमिका बनाई कि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए इस बिजनेस का। आइए जानते हैं लीडरशिप मंत्र। सबसे पहले चीज, लीडर बनना चाहते हैं आप लोग? लीडर्स बनने का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो क्या है, लीडर्स क्रिएट देयर ओन सपोर्ट सिस्टम। जो लीडर्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, चाहे उनकी टीम में एक आदमी क्यों ना आ जाए, वो एक ऐसी काबिलियत समय के साथ अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जहां पर वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम स्वयं से क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो सपना उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, इस सपने को मुझे ही पूरा करना है, और अगर कोई मेरे सपोर्ट सिस्टम में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं है मेरे सीनियर में तो भी मैं कहीं ना कहीं से उसको डेवलप कर लूंगा, क्रिएट कर लूंगा अपने लिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कामयाब नहीं होता क्योंकि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरा अपलाइन मेरे साथ में काम नहीं करता है, मेरा अपलाइन तो बिजनेस छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया, मेरा अपलाइन तो ये, मेरा अपलाइन के पास तो टाइम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं इस बिजनेस के अंदर इसलिए काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, इट इज बहुत बड़ी है ना। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, अगर वाकई में जो ड्रीम आपने लिखे ना अपने कॉपी के अंदर, अगर वाकई में उन ड्रीम के प्रति आप लोग सीरियस हैं, तो अपने बच्चों को आप वेस्टीज ना करने का बहाना ना बनाए, अपने बच्चों को आप वेस्टीज करने का एक कारण बनाए। वो माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को किसी जगह पर रख के जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और नौकरी करते हैं, ऐसे माँ बाप हैं जानते हैं आप? वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो रास्ता समझ में आता है
जॉब के अंदर वो उस रास्ते पर पूरी सीरियसनेस के साथ में जाते हैं और उसको छोटे बच्चे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं और अपने जीवन की गाड़ी को दोनों मिलकर आगे बढ़ाते हैं। यस और नो? राइट, क्योंकि वो अपने उस बच्चे को बहाना नहीं बनाते हैं आगे ना बढ़ने का, बल्कि कारण बनाते हैं आगे बढ़ने का। लीडर्स जो होते हैं दोस्तों, वो कभी भी सपोर्ट सिस्टम किसी दूसरे के सपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते, वो सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करना जानते हैं। और कैसे क्रिएट करना जानते हैं? वो ये जानते हैं कि मुझे अगर बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो मुझे ऐसी जगह अपने को कनेक्ट करना है जहां से मुझे लर्निंग मिलती रहे। और अगर आप लगातार लर्निंग लेना चाहते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपलाइन आपके साथ में है या नहीं है, क्योंकि लर्निंग ऑलवेज होती रहती है। ऐसे इवेंट कंपनी भी कराती है, बहुत से लोग कराते हैं और लगातार आपकी नॉलेज में चीजें आती रहती है। आपको जरूरत है वहां तक पहुंचने की, लेकिन आप वहां पर कब पहुंचेंगे? जब आपकी कॉपी में लिखा हुआ आपका सपना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। इतना है आपके अंदर, इतना है। यू कैन बी अ विक्टिम और अ विक्टर। आप इस बिजनेस के अंदर एक विक्टिम हो सकते हैं या एक विजेता हो सकते हैं। विक्टिम को क्या बनेंगे हिंदी में? पीड़ित। पीड़ित, पीड़ित कौन होता है? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, जिसको ज्वाइन कराता हूँ सर वो तो आता ही नहीं है, या मैंने इतने लोग ज्वाइन कराए वो सर सामान लेते ही नहीं है, सर लोग तो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, यहाँ नहीं वो नहीं तुझे। ये क्या होता है? ये पीड़ित लोग जो होते हैं ऐसी बातें करते हैं हमेशा, इनको हमेशा विक्टिम की तरह बात करते हैं। लेकिन लीडर कभी भी ऐसी बात नहीं करता, लीडर हमेशा एक विजेता की तरह सोचता है। ये लोग मेरे साथ में नहीं है उसके बाद भी मैं काम करूंगा। I have to be successful without you, with you or without you। मुझे इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है आपके साथ या आपके बिना, पर मुझे कामयाब बनना है। जब आदमी विक्टिम मानसिकता में होता है तो वो क्या बोलता है कि सर जब मैं गाड़ी चलाना सीखूं ना, कार बाइक, मेरे चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बात की गारंटी दे दो, मेरे घुटने नहीं छिलने चाहिए, मेरे हाथ नहीं छिलने चाहिए और मेरी साइकिल को मेरी बाइक को नुकसान करना चाहिए तो मैं सीखूंगा। और जब इस उम्मीद में आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो जनाब उस सृष्टि का नियम है, साइकिल सीखोगे तो उसे नीचे गिरना ही गिरना है और आपके घुटने छिलने छिलने हैं और खून निकलना निकलना है। एक बार ऐसे ही मेरे स्कूल में था, मैं इसको शेयर कर रहा था, हल्का सा कुछ मेरे स्कूल में कहीं चोट लगी, हल्की सी ब्लीडिंग हुई, पता नहीं कहाँ पे आ गई, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो मैं मैडम के पास गया और मैडम को क्या हो गया? मैंने कहा मैडम ऐसा हो गया खून निकल रहा है। तो मैडम मुझे देखा थप्पड़ मारा, कह रही है जब तू 8-10 साल बाद बड़ा हो जाएगा ना इतना खून तो तब निकल तू शेयर करेगा। तो उन्होंने मुझे मजबूत किया बजाय ये करने के कह रहे कैसे खून निकल गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। ये आपको एक पीड़ित की तरह जीवन बिताना है या विजेता की तरह जीवन बिताना है? विजेता। अगर आप इस चीज में विजेता बनना चाहते हैं सर, इसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठाएं। आसान है विक्टिम कार्ड प्ले करना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये हो गया, आसान है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इनसे जो ऊपर उठता है वही विजेता कहलाता है और वो आपको बनना है। तैयार है? तैयार है आपको? जो दोस्तों लीडर होते हैं वो कैसे विक्टर बनते हैं? डेली सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी, वो रोजाना अपने आप को ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं जहां पर वो अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। ये कैसे होगा? जब रोजाना आप इस बात के ऊपर गौर करोगे कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना रहा हूं या बेहतर बना रहा हूं या अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूं। तो डेली सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप डेली क्या सीख रहे हैं? कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं जहां से आपका मानसिक विकास हो रहा है, आपका दिमाग जो है बेहतर हो रहा है, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। वो कौन लोग करते हैं?
लीडर्स वो डेली अपने आप को डेवलप करते हैं, उनका ध्यान हमेशा इस बात पे रहता है कि मैं रोजाना कैसे अपने आप को बेहतर करूं। और बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे लोगों, अच्छे से मतलब जो लोग इस बिजनेस के अंदर एक्टिव हैं, ग्रोइंग है और एक्टिव हैं, उनके संपर्क में रहें, चाहे वो आपके एम्प्लॉई हैं या आपके डाउनलाइन हैं, उनके साथ रहें, उनके संपर्क में रहें और अपने आप को डेली 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 इंप्रूवमेंट की तरफ अपने आप को लेके जाएं। ये लीडर्स लोग करते हैं। क्या आप इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को डेली इन्वॉल्व करने को तैयार हैं? Yes. आने वाले 3 से लेकर 5 साल तक? Yes. दोस्तों आने वाले 3 से लेकर 5 साल 6 साल आपके जीवन में जो अभी हो रहा है वो होता ही रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सुबह 6 बजे या 7 बजे आपके अलार्म की घंटी बजती होगी, जो लोग अलार्म लगाकर सोते हैं, राइट? अगर आप 5:30 का अलार्म लगाते हो तो 2 बार उसको आप बंद करते होंगे, कुछ लोग 3 बार करते हैं, राइट? और उसके बाद अपने ऑफिस गए, ऑफिस जाने का पूरा दिन ऑफिस बिताया और ऑफिस बिताने के बाद में फिर शाम को 7 बजे 8 बजे आए और हाथ में क्या रखते हैं? टीवी का रिमोट। आप जानते हैं कि एवरेज आदमी टीवी कितना समय लगाता है? आम आदमी 6 घंटे। हाँ, तो वो उसी में आ गया, सोशल मीडिया या टीवी, कम से कम 4 से लेकर 6 घंटे आम आदमी टीवी के आगे बिताता है। और क्या वैल्यू लेके, क्या वैल्यू लेके आता है? कौन सी हीरोइन का चक्कर किससे चल रहा है, कौन सा हीरो कहां जा रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, और वो चलो थोड़ी बहुत जानकारी सबके पास रहनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जानकारी का अंबार अपने समय भर लेते हैं जो किसी काम का उनके लिए नहीं होता। और इतनी जानकारी लेने के बाद में फिर लोग कहते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, खराब खराब सा लगता है मुझे ना, मेरा बीपी लो रहता है, मेरा बीपी हाई रहता है, मेरा डाइजेशन खराब रहता है। अरे भाई कहां से ठीक रहेगा, जब आप 5-6 घंटे अपने दिमाग में भरेंगे वो कहने के असर करेगा। कभी बीपी ऊपर जा रहा है, अगर कोई ऐसी खबर आ गई जहां पर आपका दिल खराब हो गया, उसको अंदर बीपी घुस गया, यहाँ ऐसा कैसे हो गया, वो कैसा हो गया, यहाँ कैसे चले गए, वो कैसे चले गए, तो आपका दिमाग खराब होगा। आप सेल्फ डेवलपमेंट करने बजाय आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि अपने आप खत्म कर रहे हैं। आपने देखा है जो लोग व्यस्त रहते हैं वो ज्यादातर लोग मस्त रहते हैं। Yes, sir. Yes, sir, जो लोग खाली रहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि खाली घर खाली दिमाग शैतान का घर। ये आपने फर्क देखना है। कुछ 6 घंटे जो आप टीवी के आगे बिता रहे हैं या सोशल के आगे बिता रहे हैं, सोशल मीडिया में आगे आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, राइट, इसमें अगर आप कुछ प्रोडक्टिव चीज देख रहे हैं तो बात समझ में आती है, वो भी आधा एक घंटा। लेकिन वही बात है, आप फेसबुक को के अंदर आप बिजी हैं या एक्टिव हैं? एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपने अपना काम करा, जो आपने अपडेट करना था, जो अपडेट देना था लिया, देन मूव ऑन, अपने कार्य लग गए। बिजी होने का मतलब क्या है कि आप हर किसी की जिंदगी में झांक रहे हैं। अरे ये तो बर्थडे बनाया, मुझे बुलाया नहीं, ये शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, अरे इससे शादी कर ली, इसने ये कर लिया। तो इन चीजों में जब आपका समय आएगा तो आप ये बताइए कि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं या अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। डेली सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आप कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 5-6 घंटे तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं आपके। वो रिपोर्ट साइज देखिए और अपने घर के अंदर चैलेंज कीजिए कि मेरे घर के अंदर टीवी कम से कम चलेगा, अगर कोई चला भी रहा है तो मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगी। और जब आपका वो समय खाली होगा फिर देखिए आपका दिमाग, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, फिर आप ढूंढेंगे वो काम करना और करेंगे वो काम जिससे आपके ये 4 से लेकर 5 सपने पूरे होंगे आने वाले वक्त में, उसकी आप शुरुआत कर देंगे। तो अपना टाइम वहां से हटाकर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट लगाएंगे, yes! लगाएंगे, yes! कई बार जो है आपकी छोटी छोटी
कोई जीत से ज्यादा बड़ा होता है सिस्टम। छोटी जीत से मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। हम कई बार फोकस करते हैं किसी एक आदमी पे, बस ये आदमी ज्वाइन कर जाए, और जब वो आदमी ज्वाइन नहीं करता तो सपना टूट जाता है। पांच सपने मैंने लिखे और पांच सपने लिखने के साथ साथ मैंने पांच बंदे भी सेट कर लिए दिमाग के अंदर बगल में, और जैसे ही एक ने मना करा पांच दिखाने के बाद तो अपने एक सपने कट्टा मार दिया, और ऐसे मान लो पांच लोगों ने मना कर दिया तो पांच सपने कट्टा मार दिया, किताब फेंक दी साइड में। अरे सारे तो खाली बेकार की बात है, कुछ होता है तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं होता। अच्छा जिससे बात करो सब मना कर देते हैं, जिससे बात कर दो सब मना कर देते हैं। तो जिससे मैं तो बहुत लोग आते हैं, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग आते हैं और पूरी दुनिया के 7 अरब लोग आते हैं, कितने लोगों से बात करिए। तो पता चलता है कि पांच लोगों से बात करकर ये तय कर लिया कि इन पांच लोगों ने अगर मना कर दिया तो बिजनेस करने लायक नहीं, या मैं बिजनेस के लायक नहीं। ऐसा नहीं है, आप अपनी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो जीत है, उनको बड़ा मत बनाइए। आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम। लेट सिस्टम वर्क फॉर यू, सिस्टम को आपके लिए काम करने दें। जैसे जब आप किसी बच्चे को स्कूल में लेके जाते हो पहली बार तो लगती है आपने एक दो बार प्रॉफिट ऑफिस में आ जाता है, उसके बाद कैसे जाता है वो कैसे बनता है, उसमें से पहले कैसे बनता है बस yes or no? वो दो तीन चार बार तो ऐसे तो वो आफत निकाल देता है, बच्चा जाता ही नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद में चला जाता है। और जब वो स्कूल चला जाता है तो आप बच्चे को हर घड़ी देखने जाते हो कि वो कैसे पढ़ रहा है, या स्कूल के सिस्टम पे छोड़ देते हो, स्कूल के सिस्टम पे छोड़ते हो, और बच्चा अगर हमारा सही पढ़ रहा है सही संगत में तो आगे वो 12 साल बाद 15-20 साल बाद एक बेहतर पढ़ा लिखा व्यक्ति बनकर बाहर आता है। Yes or no? इसी प्रकार से सर जिन लोगों को आप इनवाइट करते हो, कॉल करते हो, किसी 1, 2, 5, 7, 15, 20, 25 लोगों को आप इशू मत बनाइए। उनका ज्वाइनिंग करना आपकी जीत नहीं है, उनको उनके थ्रू सिस्टम में प्लग इन हो जाना, सिस्टम में अटैच हो जाना, वो आपकी जीत है। और सिस्टम फिर अपना आप आपके लोग क्रिएट कर देगा। जैसे हम क्या देखते हैं, हम हमेशा इवेंट देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे आदमी शादी इस दिन हुई थी, उसका बर्थडे इस दिन हुआ था, शादी बर्थडे ये इस दिन प्रधानमंत्री बना था, ये इस दिन जो है राष्ट्रपति बना था, ये इस दिन कैप्टन बना था, ये सारे इवेंट है। एक दिन हुआ घटना घटी हो गया, हमारा बिजनेस इवेंट नहीं है। आप क्या करते हैं, अरे यार उसके इवेंट बोला दो बंदे आ गए, बढ़िया क्या काम कर रहे हैं, बड़ा लकी आदमी यार, ऐसे दो आदमी मुझे मिल जाते ना फिर देखो मैं क्या करता, मजा आता। सर वो जो आप देख रहे हो ना 2, 4, 5, 7 जो भी आप मानते हो उनको मिल गए, वो सब आप क्या देख रहे हो, वो आप उनकी विक्ट्री देख रहे हो, वो उनकी जीत का नतीजा नहीं है, वो उनका लगातार सिस्टम फॉलो करने का नतीजा है जो आपको इवेंट के तौर पे नजर आ रहा है। वो इवेंट नहीं है, वो पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। यस और नो, मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो आपको करना क्या है, आपको इस सिस्टम क्या है, इस तरह के इवेंट के अंदर प्लग इन होना। प्लग इन मतलब क्या है, जब आपको अपना मोबाइल चार्ज करना होता है तो क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं उसको, तो चार्ज होता है राइट। और जहां पे प्लग लगाते हैं उससे क्या मिलती है, उसको बिजली, बिजली आती है, एनर्जी आती है। इसी प्रकार से जी हाँ, इसी प्रकार से जब इस तरह के इवेंट से छोटे बड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, जब इस तरह के इवेंट से आपके लोग प्लग इन होते हैं, वो चार्ज अप होते हैं, और आपका बिजनेस डेवलप होता है। बात समझे सर आप लोग? तो सिस्टम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय इंडिविजुअल एक दो लोगों की ज्वाइनिंग के। जब सिस्टम में लोग आ जाते हैं, सिस्टम टेक केयर कर लेता है, तो अपने आप आपके सामने ऐसे लोग खड़े कर देगा जो कभी आगे चल के आपके नेटवर्क के क्राउन बनेंगे, यूसीडी बनेंगे, डायमंड बनेंगे। यहाँ पर पाटिल जी है, पाटिल जी क्राउन एक्टर, रतन जी है डायमंड बैठे, सब लोग यहाँ पे स्टार चैनल लोग हैं। इनमें से कोई भी ना मेरा रिलेटिव है ना मेरा रिश्तेदार है, ये किसकी देन है, ये इस सिस्टम की देन है। मैं खुद सिस्टम से प्लग इन हुआ और लोगों को सिस्टम में प्लग इन किया। मेरा समझ में आया तो मजा आ रहा है, बोलो रहे मजा आ रहा है, एक बार ताली जब सुनो। अब
आपको इस बिजनेस के अंदर सिस्टम के अंदर करना क्या होता है, कुछ थोड़े बहुत स्टेप होते हैं, बहुत थोड़े बहुत, वो फॉलो करने होते हैं। ठीक, वीआईपी के अंदर कितने स्टेप बताए जाते हैं? सात। कैसे लिस्ट बनाए बता दो, ये यूज द प्रोडक्ट, कितने लोगों ने मेरा जीडीएस प्रोग्राम अटेंड किया है? कुछ लोगों ने किया है, उसमें कितने स्टेप है? उसमें भी सात। तो सेवन बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत थोड़े से, फ्यू मतलब थोड़े से, जो आपको फॉलो करने हैं। बहुत थोड़े से स्टेप को आपको फॉलो करना है, और कितने लोग करवाना है? एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि बहुत बड़े ग्रुप के अंदर, बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर, जब लोग थोड़े से सात स्टेप को फॉलो करेंगे और वो फॉलो करेंगे ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक, जब बहुत बड़ा आपका नेटवर्क सेवन बेसिक स्टेप को लगातार फॉलो करेगा, तो उससे क्या क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या हुआ कि अगर आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया तो आने वाला व्यक्ति भी आगे दो लोगों को ज्वाइन करा पा रहा है। अगर आप कंसिस्टेंसी लेते हैं हर महीने, तो आपने दो लोगों को कंसिस्टेंसी आपने खुद कराई और वो दो लोग भी आगे दो तीन लोगों को कंसिस्टेंसी करा रहे हैं, तो ये है डुप्लीकेशन। तो ये डुप्लीकेशन स्वतः नहीं होता, इसको होने का एक पूरा प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि जो हमारे सेवन बेसिक स्टेप है वो एक लंबे समय तक लगातार जब आप फॉलो करते हैं, और फिर एक लंबी टीम, जब बड़ी टीम आपकी बन जाती है, तब जाके आपको डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में आता है। मेरी बात समझ पाए आपको? वो अगर नहीं है तो करना क्या है, आपको लगातार 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 ऐसे इवेंट से खुद कनेक्ट रहना है, और ऐसे इवेंट में कनेक्ट करने के लिए आपको लगातार एक दबाव बनाना है, जिनसे प्यार मोहब्बत है, खास लोग हैं उन पे दबाव, जो थोड़े कम जानने वाले हैं उनको माहौल क्रिएट करना है, नहीं सर आपको आना है, आपको आना है, मेरा छोटा भाई होगा तो उसमें क्या करूंगा, दबाव ले लूंगा, तुमने आना ही आना है, नहीं आना देख लियो छोटा भाई, राइट। लेकिन जो मेरे और लोग हैं उनको मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा, यहां वो क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में बार 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 मैं बताऊंगा। ये जब आप करते हैं लगातार लंबे समय तक, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। ये बात समझ में आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हुए, जब हम काम करते हैं तो हमारा जो ये डिजायर्ड रिजल्ट वर्सेस डिजायरेबल रिजल्ट है, इसको मैं समझाता हूं। इसका मतलब हुआ, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं या जब हम बात करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा होती है कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सर में कर रहे, ऐसा तो होता है। हम जिसको भी प्लान दिखाएं, जिससे भी बात करें, हर व्यक्ति बन जाए, ये हमारा एक डिजायर रिजल्ट होता है, जो इच्छित परिणाम जो होता है, पहले सोचा हुआ यही होता है। बस इससे बात कर रहा हूं, ये बात करने जा रहा हूं, ये प्लान देखेगा, टाइम दे देगा और हाँ करके ज्वाइन कर लो, काम कर ले, ये तो होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। आप जब एक लगातार सिस्टम को फॉलो करते हैं, लोगों को प्लान में लाते हैं, सिस्टम में लाते हैं, आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते। आपने 10 लोगों को ये सोच के प्लान दिखाया कि सारे के सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन सारे ज्वाइन नहीं करते, लेकिन 10 लोगों में से जो डिजायरेबल रिजल्ट होता है, जो उसके लायक होते हैं, 2 या 3-4 वो भी लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो हर वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा जिसको आपने प्लान दिखाया है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस के अंदर आएंगे। मेरी बात समझ में आप लोग? Yes. क्लियर है सब लोगों को? Yes. चलिए आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अप्लाई लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, इंग्लिश का वर्ड है लेकिन आपको सही समझ में आ जाएगा। आपने कार देखी, सभी लोगों ने, कार के 4 पहिए होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक साइड से कोई एक आदमी या 2 आदमी कार को उठा दें, बड़ी कार को उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, राइट। कम से कम 5-7-8 लोग चाहिए तो उठा पाएंगे, वो भी 2-5 सेकंड के लिए, फिर वो भी जोर पड़ेगा छोड़ देंगे। लेकिन एक छोटा सा 15-20 किलो का एक लीवर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैक था, वो जैक को आप कार नीचे डालते हैं और उसे घुमाते हैं और वो पूरे कार को, जो कि उससे वजन में कई गुना बड़ी है, उसको ऊपर कर देता है। ध्यान रखते लोग, राइट, उसे बोलते हैं लीवरेज करना, राइट। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर भी आपको लीवरेज अप्लाई करना है। कैसे होगा?
जब कभी भी आप कोई भी मीटिंग करें, कोई भी इवेंट करें, कोई भी ट्रेनिंग करें, किसी भी इवेंट में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, हमेशा प्रयास करें कि आप अपनी जो और आपके लोग हैं, राइट, आपके मल्टीपल ग्रुप, जो आपके अलग अलग ग्रुप के आपके लोग हैं, उनको भी उसमें इन्वॉल्व करें। मान लीजिए आप किसी एक्स जगह में मीटिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज करो गाजियाबाद में मीटिंग करने जा रहे हैं, और उस गाजियाबाद में आपने मीटिंग करी अपने दो तीन लोगों के लिए, आप मीटिंग करने जा रहे हैं एक जगह पे, आपने आप जा रहे हैं दिल्ली से, जब आप वहां मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपने क्या करा, आपके जो लोग रजौरी गार्डन में रहते हैं या मान लेते हैं आपका आरबी ग्रुप में रहते हैं, दिल्ली किसी क्षेत्र में रहते हैं, उनमें लोगों को फोन करा और कहा कि भाई मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, इस दिन यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ, होम मीटिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या आपके कुछ गाजियाबाद में कैसे रहते हैं इस एरिया के आसपास, अगर आप हैं तो ये एड्रेस है, ज्यादा नहीं एक दो लोगों का वहां बुला सकते हैं, वहां पे जगह है। तो आप जब वहां पर गए, आप एक ग्रुप की मीटिंग करने वहां पे गए, तीन चार लोग वहां पे थे और आपने लीवरेज किया अलग अलग जगह से, आपके अलग नेटवर्क से तीन चार लोग और वहां पर आ गए, तो जहां पर आपने तीन लोगों के लिए बोलना था एक घंटा, तो सात लोगों कितना बोलना पड़ेगा आपको, ऐसा नो ये ऐसा हो कि तीन के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, सात ज्यादा बोलना पड़ेगा, भाई तीन के लिए उतना बोलना पड़ेगा, 300 के लिए उतना बोलना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन जब आपके और लोग भी ऐड हो जाएंगे तो उससे आपके बिजनेस वृद्धि होगी, यस और नो? इसे कहते हैं लीवरेज। तो जब कभी भी आप कुछ किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, हमेशा कोई भी आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सिर्फ ये ना देखे कि सर ने भी मैसेज किया होगा या अपलाइन ने भी मैसेज किया, मैं देख लिया, अगर उस जगह आपका नेटवर्क है नहीं है कोई बात नहीं, मैसेज को पूरा पढ़ें, वो इवेंट कहां हो रहा है, कितनी तारीख को हो रहा है, कितने बजे को हो रहा है, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, जाना जाएंगे आप से कितने लोग हैं जो हैदराबाद में इनकी टीम है, किसी की नहीं। अब आपके पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर कि हैदराबाद में मीटिंग है, अब आपने कहा मेरा तो याद ही नहीं है, क्यों देखू उसको, लेकिन अगर आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक ग्रुप मीटिंग में गए और वहां पर आपको दो चार लोग मिले साउथ इंडिया से थे, उनमें से किसी एक ने पूछे क्या आप हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, तो आपने हैदराबाद ऑफिस बता दिया, लेकिन आपने व्हाट्सएप पे देखा था हैदराबाद में मेरे सीनियर उस दिन मीटिंग करने जा रहे हैं, आपने तुरंत बोल दिया भाई हैदराबाद में इस जगह देखिए, इस जगह हमारे सीनियर मीटिंग करने जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर वो व्यक्ति अपने लोग भेजे ना भेजे अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति के माइंड में क्या मैसेज आएगा कि भाई जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर भी इसके सीनियर जाते हैं, मतलब सपोर्ट सिस्टम पहले से वेल इन प्लेस है, फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा, इसलिए आपकी आप वहां पर रहे ना रहे लेकिन आपकी नॉलेज रहना चाहिए कि आपके सीनियर के द्वारा कहां कहां इवेंट हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर पूरे भारत में, तभी आप जब आप प्रॉपर तरीके से मैसेज को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि आपके सीनियर ये कंपनी कहां का इवेंट कर रही है, और जिस दिन भी मीटिंग करते करते कोई आदमी आपको मिल गया आपको ध्यान देगा रहे अच्छा उस दिन वहां पर हल्द्वानी पटना उड़ीसा मुंबई यहां तो मेरे सीनियर लगातार जाते रहते हैं, तुरंत आपने कनेक्ट किया और वहां पर लोगों को सिस्टम से प्लग इन कर दिया, मेरी बात समझ पाए आप लोग, इसी को कहते हैं अप्लाइड लेवरेज। अगर आज आपकी टीम में एक आदमी भी नहीं है तो ऐसा बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, आपकी टीम में एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, ये कारोबार का बढ़ता रहेगा, और अगर आप इस लीवरेज को अप्लाई कर लेंगे उससे क्या होगा आप कम समय में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, मेरा समझ पाए आप लोग। चलिए दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कैसे लीवरेज अप्लाई कर सकते हैं, आपके नेटवर्क में भांति भांति के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, कुछ लोग होंगे जो बात को जल्दी समझेंगे, कुछ लोग थोड़ा देर समझेंगे, चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे बिजनेस के अंदर जो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, वो सबसे उनको कहते हैं एक्सक्यूज फैक्ट्री, एक्सक्यूज फैक्ट्री, उनको हर चीज के अंदर या तो बहाना बनाएंगे या हर चीज के अंदर कमी निकालेंगे, राइट। तो जब ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे लोग जब आपसे टाइम मांगते हैं, भाई किसी के सर पर तो लिखा नहीं है ये आपका टाइम खराब करेगा, लेकिन एक दो बार के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जब भी मिलता है ये टाइम खराब करता है या फिर कंप्लेन करता रहता है, तो ऐसे लोगों को आप ज्यादा समय ना दें, क्यों, क्योंकि एक आदमी ने जिसकी आदत ही लगातार कंप्लेन करने की और बेवजह करने की है, उसके साथ में आप समय बिता रहे हैं तो उसने आपके काम के दो से लेकर तीन घंटे खराब कर दिए, और ऊपर से जो आपकी एनर्जी खराब कर दी,
दिमाग खराब कर दिया वो अलग। तो बेहतर क्या है कि ऐसे लोगों को आप छोड़ के ऐसे लोगों को आप इवेंट में बुलाएं। इवेंट में सबको बुलाना है, सबके लिए होता है, लेकिन ऐसे लोगों को इवेंट में समझे, क्योंकि इवेंट में जब आदमी आता है तो उसका दिमाग अलग लेवल चला जाता है, उसका ध्यान कंप्लेंट से एक्सक्यूज से हटकर काम पे चला जाता है। अच्छा, अगर वो इवेंट में नहीं आता तो वैसे किसी काम का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इवेंट में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति वो तो बात वही हुई भाई, नहीं सर बहुत बढ़िया आते हैं, इवेंट में नहीं आता है बहुत बढ़िया, अरे भाई ये तो वही बात, मोबाइल बहुत बढ़िया है लेकिन चार्जिंग नहीं लगाना उसके ऊपर, है बहुत बढ़िया, वो कितने दिन बढ़िया रहेगा, दो दिन तीन दिन चार दिन मर जाएगा, यस सर नो। इवेंट का जो चार्जिंग जो जो जिस जो चीज उसको जहां जाके मिलेगी वो तो वही मिलेगी, घर में नहीं मिलने वाली, सेम वे यहाँ पर राइट। तो जो आपके ऐसे लोग हैं उनको डायरेक्ट बुलाइए यहाँ पर, यहीं पे उनसे मिलिए और इनसे को फ्री कर दीजिए, उनको वन टू वन समय किसको दें, वन टू वन पर्सनल मिलने का समय उनको दें, जो लोग क्वालिटी लोग हैं, जिनके पास एक ड्रीम है, विजन है, जिनकी बातों से आपको लगता है कि ये लोग अपनी कंप्लेंट पे बहाने पे कम ध्यान दे रहे हैं लेकिन ज्यादा ध्यान उनका अपनी ग्रोथ के ऊपर है, उनको अपना क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि वही आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे राइट। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, चलिए हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, यानी कि जब लोग इस बिजनेस को मना करते हैं उस परिस्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए या हैंडल किया जाए, जानना चाहेंगे। जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग आपको बिजनेस के अंदर आने से मना करेंगे, ज्वाइन करने वाली काम करने से मना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस बिजनेस के अंदर जो लोग काम करना छोड़ते हैं उसका 70% कारण होता है लोगों के द्वारा उनको बिजनेस के लिए मना कर देना, यानी कि लोगों ने उनको मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, 70% कारण ये बनता है। बाकी कोई कहता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ उतना मैटर नहीं करती, एक बड़ा कारण ये बनता है। अगर इसको आपने समझ लिया तो इस बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस से बाहर होने का 70% जो कारण है उससे आप बच जाएंगे। वो क्या है, व्हाट रिजेक्शन मींस टू यू। सबसे पहले आपको देखना है जब लोग आपको बिजनेस को ज्वाइन करने से मना करते हैं तो ये आपके लिए क्या मतलब रखता है, इसका आपके लिए क्या माने। इसका माने ये है कि क्योंकि इसने आपको मना कर दिया अब आप किसी काम के नहीं रहे, या इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने आपको मना कैसे कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई बाद में मना कर देंगी, या इसका मतलब यह है कि कंपनी खराब है। आपको जब लोग मना करते हैं बिजनेस को ज्वाइन करने से वो आपके लिए क्या मीनिंग है, उसके माने आपके लिए क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा कि रिजेक्शन को आप हैंडल कैसे करेंगे। अगर लोगों के मना करने को आप बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं, मुझे मना कर दिया आप क्या करें, जब इस तरह से लोग आप लेते हैं तो रिजेक्शन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब करना क्या, स्मार्ट मूव क्या है, रिजेक्शन को आप ऐसे लें, हु इज रेडी और हु इज नॉट, कौन बिजनेस के लिए तैयार है कौन बिजनेस तैयार नहीं। बस जैसे घर में खाना बनता है, एक रोटी दो रोटी तीन रोटी आप देते हैं घर में बच्चों को या किसी बड़े को, चार रोटी बाद में क्या बोलते हैं, या पांच रोटी बाद में, अब वो एक प्रकार क्या है, जश्न तो है। तो क्या कभी आप उनकी उस बात का गुलाम मानकर खाना बनाना बंद कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, क्यों नहीं होती, पूरा क्यों नहीं मानते, हाँ उन्होंने मना करा आपको रोटी खाने से, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, और जब पहले रोटी खा रहे थे तब तो खूब तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा बनाए, और पांच रोटी आकर कहने लगे बड़ी खराब, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पूरी हो चुकी है। सेम तरीके से बिजनेस के अंदर आप लीजिए, जो लोग आपके साथ इस बिजनेस के अंदर नहीं आते हैं आप ये लेके चलिए कि वो इस बिजनेस के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, और जो ज्वाइन कर लेता है ये बिजनेस के तैयार है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मतलब मत निकालिए, लेकिन मतलब जो आप निकालते हैं कि उसने मेरा भाई था, मेरा बढ़िया यहाँ था, इसकी मैंने हमेशा मदद करी, ये इसने तो मुझे मना कर दिया, जब आप ऐसे मतलब निकालने लग जाते हैं तो रिजेक्शन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर बहुत सीरियसली काम करते हैं और जो सपने अपने जो पांच लिखे हुए हैं उनके प्रति गंभीर होते हैं, वो जानते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फिलहाल जो पांच साल तो मना कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मेरी लिस्ट में बहुत नाम है, मैं बहुत नाम राइट कर दूंगा, मैं लोगों तक जाऊंगा और लोगों तक प्रोग्राम बताऊंगा और उन तक पहुंचूंगा। उनका एटीट्यूड ये रहता है, वो कभी भी लोगों पे अटकते नहीं है। और जब आप इस तरीके से उसको हैंडल करेंगे तो होगा क्या, उस समय आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको मना किया था थोड़े समय बाद उन लोग भी आपके साथ ज्वाइन करने के लिए आ गए। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं हमारे नए पुराने लोगों में जिनको पहले किसी ने मना करा हो मैं करूंगा नहीं, और बाद में तो तुम फोन करा हो या बाद में ज्वाइन कर लिया हो। ये सारे हमारे पुराने साथी हैं, ज्यादातर कुछ नए लोग भी हो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग आए आपको मना कर रहे हैं किसी वजह से, वो आने वाले वक्त में या तो आपकी कामयाबी देखकर या फिर अपनी जरूरत की वजह से आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। आपको इस वक्त उसका मुद्दा नहीं बनाना है और उस पर अटकना नहीं है। जैसे शादी ब्याह में वो चलती है ना जन्मपत्री, एक जगह जाती है मना होगी, दो जगह जाती है मना होगी, कहीं लड़का पसंद नहीं आता, कहीं परिवार पसंद नहीं आता, कहीं नौकरी पसंद नहीं आती, कहीं काम धंधा पसंद नहीं आता, कहीं कुछ होता नहीं होता क्या। दो तीन बार के बाद में जहां पर मामला बनता नहीं है क्या कोई आदमी बैठ जाता है कि तो बेकार है पहले तो यही दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं होता। हर इंसान जानता है इस दुनिया में किसी के लिए कोई ना कोई परिवार तो बना ही बना, थोड़ा समय लग सकता है बस, ऐसा होता ही है। यस और नो? हाँ, जो ऐसा मान लेते हैं वो जिंदगी में कुंवारा रहते हैं सलमान खान की तरह, उसको पता लगे क्या। तो मेरी बात समझते हैं आप लोग, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई मना करता है उस पर रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा समय इस बिजनेस के अंदर हो जाता है। ये नए लोगों के लिए तो अगर आप अभी इसको आप फॉलो करें ना करें, लेकिन इसको जानकारी आपको मिल जाएगी तो भविष्य में आपको चीज काम आएगी। When to fire your boss? स्टूडेंट क्या होता है? आपको किस वक्त अपने बॉस को अपना बॉस होने से बर्खास्त करना, ये फैसला कब लेना है? होता तो ये ना कि बॉस निकाल देते हैं, तो बॉस को होता निकालने वाला, मैं बॉस को निकालूंगा अपना बॉस होने से। जब हम जॉब 99% लोग इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइमर होते हैं, यस और नो? तो जो पार्ट टाइमर नहीं है, जैसे हाउसवाइफ है तो उनके हस्बैंड भी जो होंगे वो नौकरी करते होंगे, तो एक प्रकार से इस बिजनेस को ज्यादातर लोग जो करते हैं वो पार्ट टाइमर्स ही करते हैं। जो आपको मेरे जैसे, भाटे जी जैसे और तमाम जैसे लोग फुल टाइमर नजर आते हैं, ये भी वो लोग थे जो इस बिजनेस में आने से पहले कुछ और काम करते थे, पार्ट टाइम में इस बिजनेस के अंदर आए, फिर बाद में इस बिजनेस को फुल टाइम कर लिया। अब सवाल ये आता है कब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूं, अगर आप सीरियस पार्ट टाइम बने इस बिजनेस के अंदर, जानना चाहेंगे? चलिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है, जब कभी भी आप इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लें तो इस डिसीजन को आप अकेले में ना लें, हमेशा कंसल्ट करें अपने टॉप लीडर से या लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसको एलोस कहा जाता है। एलोस का मतलब ये होता है कि आप और आपके अपलाइन के जो लोग होते हैं उनको एलओएस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। मेरा काम आपको यहाँ पर हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है उससे भी आपको एजुकेट करना है, क्योंकि अगर कई बार आपसे कुछ बातें पूछी जाती है आपको उसका जवाब ना पता हो तो बड़ा समय लग जाता है समझाने में। जैसे मान लीजिए सर है यहाँ, सर क्या सुना हुआ आपका? अच्छा नितेश जी, नितेश जी मान लीजिए नितेश जी की अपलाइन है विक्रम जी, ठीक, विक्रम जी की अपलाइन है अशोक जी, ठीक है ना, अशोक जी की अपलाइन मान लेते हैं यहाँ बैठी है निभा जी, निभा जी की अपलाइन मान लेते हैं रिंकी जी है। तो ये जो नितेश जी चलते हैं, नितेश जी की जो एलओएस है उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? विक्रम, अशोक, निभा जी है, रिंकी जी, ये चार पांच लोग की अपलाइन जाते हैं कहा जाता है एलओएस। तो जब कभी भी आप फुल टाइम करने का फैसला लें इस बिजनेस को तो सबसे पहले अपने टॉप लीडर्स हैं एलओएस में उनके साथ बैठें, उनसे बात करें इससे पहले कि आप बिजनेस को फुल टाइम करें। गॉट इट? समझ आया आपको? दूसरा, मेक श्योर यू डोंट हैव एनी मेजर डेट टू पे ऑफ। दूसरा, आप ये निश्चित कर लें कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्जा पहले से ना हो इस बिजनेस को फुल टाइम करने से पहले, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को समय से
अपने परिवार को चला रहे थे, अपना कुछ और खर्चा मेंटेन कर रहे थे, कुछ कर्जे अपना भर रहे थे, उसमें आपको एक बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। आप लोग और तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, योर नेटवर्क मार्केटिंग इनकम मस्ट बी बिगर देन योर डेली जॉब इनकम। और आप जो लोग अभी पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी इनकम होनी चाहिए कि जो आपकी रेगुलर जॉब है उससे कहीं ज्यादा इनकम आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हो, तभी उसको आपने फुल टाइम करना है। लोग एक्सक्यूज क्या बनाते हैं कि सर मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे कभी भी आप अपने घर आते हैं ऑफिस से, उसके बाद के 3 घंटे चाहे वो 12 बजे तक क्यों ना हो, आप अगर इस बिजनेस में देने को तैयार हैं तो आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन करें, 3 दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन करें। मैंने खुद इस बिजनेस को सैटरडे संडे ज्यादातर संडे पार्ट टाइम में किया, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी सुबह जाने का ठिकाना होता था, आने का कोई ठिकाना नहीं होता था। रात को कभी 11 बजे कभी 12 बजे और छुट्टी भी नहीं होती थी। संडे भी कई बार बॉस बुलाता था, संडे जब बॉस बुलाता था तो मुझे ऑफर देता था, मेरी सैलरी थी 3000 रुपए। मैं एक एडवोकेट के पास नौकरी करता था और 6-7 दिन काम किया और फिर वो कहते थे अगले दिन कल आपको आना है और कल छुट्टी का दिन है, कल तुम अकेले यहाँ पे रहोगे, आराम सारा काम कर लेना, मंडे की फाइल जाएगी, ये केस रखना वो केस रखना है। लेकिन संडे में जाता क्यों था, संडे में इसलिए आता था क्योंकि संडे के अलग से 300 रुपए। अब इधर मीटिंग में जाऊं या उधर 300 रुपए पकड़ू, बहुत ही जो है एक फैसला लेने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि जहां पर मुझे मेरे सीनियर बुला रहे हैं वहां तो पैसा तो अभी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 150 रुपए टिकट भी उड़ देते हैं अभी तो, वहां 200 रुपए टिकट दे दूंगा यहाँ 300 रुपए मुझे मिलेंगे। तो शुरुआत में मैं नहीं गया, लेकिन मुझे बाद में समझाया गया कि अगर तुम इसी तरीके से 7 दिन अगर अपने मालिक को दोगे तो सपने तुम्हारे मालिक के पूरे होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे।
तरीके से काम नहीं कर रहे, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तो होगा क्या कि आपकी जो लोग हैं, जो आपके जानकार लोग हैं, वो तो जान जाएंगे कि आप 50,000 जितना जॉब से कमा रहे हैं यहां से कमा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए फर्क क्या पड़ता है, आप उस वक्त भी वही कपड़े पहन रहे होंगे जो आप 50,000 जॉब पर पहनते थे, आप उसी घर में रह रहे होंगे जिस घर में आप तब रहते थे जब आप नौकरी करते थे, आप लगभग वैसी गाड़ी चला रहे होंगे जैसी गाड़ी आप नौकरी करते समय चला रहे होंगे। तो आपके दोस्तों को, आपके जानकार लोगों को आपके अंदर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा, और फिर वो बोलेंगे भाई ये जो है 50,000 कमा रहा है लेकिन ये तो बिग बॉस भी नहीं देख पाता, मैच भी नहीं देखता, कहीं छुट्टियों में नहीं आता, सारा दिन इस वजह से लगा रहता है, इससे बड़े तो हम ही लोग हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बिग बॉस भी देख रहे हैं, रामायण भी देख रहे हैं, महाभारत भी देख रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, हम क्या क्या चक्कर पड़े। लेकिन आपको एक बात समझनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम बात नहीं कर रहा, पार्ट टाइम कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो पार्ट टाइम पर ध्यान रखिएगा, डोंट लिव आउट ऑफ द बिजनेस, अपने नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की इनकम से अपना घर मत चलाइए। अगर आप पार्ट टाइम पर ग्रो आउट ऑफ द बिजनेस, आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की इनकम से घर नहीं चलाना है, नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से आपको बिजनेस को बढ़ाना है। तो क्या करना है, सो रीइन्वेस्ट बैक इन द बिजनेस, उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस के अंदर, तो वो आपको आपकी इनकम को 50,000 से 1,00,000 में चला जाए। आप 50,000 की इनकम आपकी जॉब में, आपकी सारी सैलरी वाली खर्चे बचे सब आपके चली रहे, तो 50,000 जो बस्ती से एक्स्ट्रा है, यस और नो? क्या करना है, अपने कपड़े को ऑलरेडी इंप्रूव कर दीजिए, अगर 200 रुपए 500 शर्ट पहनते हैं तो 1,000 रुपए पहनना शुरू कर दीजिए, राइट, जूते पहनते हैं 500 रुपए के 2,000 रुपए जूते पहनना शुरू कर दीजिए, बेल्ट पहनते हैं 100 रुपए की तो 500 रुपए की 1,000 रुपए बेल्ट पहनना शुरू कर दीजिए, राइट, अगर बाइक नॉर्मल सी है तो कोई बढ़िया बाइक ले लीजिए या बढ़िया कार ले लीजिए। आप अपने रहन सहन को, उस पैसे को रीइन्वेस्ट कीजिए, जो हमारे ट्रेनिंग इवेंट होते हैं उसके द्वारा स्टार्ट कीजिए और ट्रेनिंग इवेंट बढ़ा दीजिए, जितना ज्यादा उस पैसे को रीइन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, 6 से लेकर 8 महीने के बाद ही आपकी 50,000 रुपए इनकम पार्ट टाइम में 1,00,000 रुपए की हो जाएगी। तब आप पैसा ले सकते हैं किसी को फुटाइज करने का, राइट, एंड लेकिन अगर आप उस 50,000 से अपने घर से खर्चे चलाओगे जो चल रहे हैं उससे और घर के खर्चे चलाओगे तो उससे होगा क्या, वो बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं लेकर आएगा, वही काम होगा जो आपका जॉब में होता है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? Yes, sir. मेरी बात समझ पाए आप लोग? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हुए सेकंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 से लेकर 6 मिनट आपको और दूंगा। स्मार्ट एंड जीनियस, स्मार्ट और जीनियस किसे कहते हैं, बड़ा तेज तर्रार और बुद्धिमान, सुनो, स्मार्ट एंड जीनियस यूटिलाइज द पावर ऑफ इवेंट्स। जो बुद्धिमान होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं इवेंट की पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। ये इवेंट है, इसमें पावर है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये वो लोग जानते हैं जो स्मार्ट होते हैं, जीनियस होते हैं। और आप सब लोग अगर अपनी टीम के साथ यहां पर आए हैं तो ये साबित करता है आप स्मार्ट भी हैं, जीनियस भी हैं। क्या करना है आपने दोस्तों, ध्यान समझिएगा, दिस बिजनेस अ जर्नी ऑफ फ्रॉम होप टू बिलीव, समझिए इसको, होप मतलब क्या होता है, उम्मीद, आशा, और बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास, विश्वास, ठीक। जब व्यक्ति इस बिजनेस का फॉर्म साइन करता है, ज्वाइन करता है, तो उसे उम्मीद होती है, एक होप होती है कि क्या पता इस बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ जाऊं, पहले से तो बिलीव थोड़ी होता है। लेकिन जब आदमी इस बिजनेस के अंदर बना रहता है किसी वजह से, तो फिर उसका बिलीफ फैक्टर होप को छोड़कर होप सैड हो जाती है और बिलीफ इन प्लेस हो जाता है, क्योंकि उम्मीद जो होती है वो टूट जाती है। लॉटरी खुलने की उम्मीद होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग इसको एक लॉटरी का टिकट मानकर ही एंट्री करते हैं, मैंने भी ऐसी की थी, हर आदमी ऐसी करता है, लेकिन इन ड्यू कोर्स यानी कि जैसे जैसे सिस्टम में समय होता रहता है तो वो समझता है कि ये एक लॉटरी का टिकट नहीं है, अगर मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैं 100% वहां पहुंच सकता हूं। तो फिर वो उस उम्मीद से हटकर बिलीफ की तरफ बढ़ जाता है, राइट। तो क्या करना है आपने, होप मेक्स पीपल टू ज्वाइन द बिजनेस एंड बिलीव कीप्स द
them in the business. जो उम्मीद होती है वो लोगों को business join कराती है और विश्वास भरोसा उनको इस business के अंदर बनाए रखता है। बावजूद इसके कि लोग उनको join नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पर भी पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा आ कम रहा है, लेकिन उनको भरोसा होता है कि जैसे आज जो व्यक्ति 5 लाख 8 लाख 10 लाख कमा रहा है, इसके भी पहले चंद महीनों के जो चेक थे वो 100 200 500 रुपए के थे, तो जैसे इसका चेक 100 रुपए से 5 लाख पहुंच गया है, एक दिन मेरा ही पहुंचेगा। वो बिलीव भरोसा वो नहीं होती राइट, वो कहां से आती है? वो इवेंट से आती है। इसलिए प्रमोट एंड अटेंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी एंड अप्लाई। इसलिए जो इवेंट आपके अपलाइन आपकी कंपनी आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है उसको लगातार लगातार आप अटेंड करते रहें, क्योंकि इवेंट में आके आपका भरोसा बनता है, आप उम्मीद से हटकर आप बिलीव की तरफ बढ़ते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है। आज यहाँ पर आप आए काम करने की प्रेरणा मिल रही है आप लोगों को, टीवी को छोड़कर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है राइट, यही इस इवेंट का कमाल होता है। साथ साथ नॉलेज ज्ञान आपको मिल रहा है, कैसे रिजेक्शन हैंडल कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और साथ साथ इस बिजनेस के अंदर और फोकस होकर काम करने की आपको प्रेरणा मिलती है राइट। तो इवेंट आपको बहुत कुछ देता है, इस बिजनेस में आपको कुछ और आता होगा, आपको धोनी के फायदे नहीं पता, आपको स्पिलों के फायदे नहीं पता, आपको चाय पत्ती का रेट नहीं पता, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इवेंट भेजना आता है, इवेंट में लोग लेकर आना आता है, तो इस बिजनेस में आपकी सफलता 101% है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। और लोग लोगों को इवेंट में इसलिए नहीं ला पाते कि वो लोगों को ला नहीं सकते हैं या लोग नहीं आते हैं, वो लोगों को इवेंट में लाने की जो इंपॉर्टेंस है वो समझते नहीं है। एक आदमी को बिजनेस ज्वाइन कराना ज्यादा चैलेंजिंग है, इवेंट इनवाइट करना एक चैलेंज है, इवेंट में लाना बड़ा चैलेंज नहीं है। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये इवेंट के अंदर आने से मेरे लोग बैठते हैं, तो मेरा 80% काम तो इवेंट कर देता है, 80% काम आपका इवेंट ने कर दिया। सीनियर है, माहौल है, तालियां है, नॉलेज है, ज्ञान है, अचीवमेंट है, वो सारा एक 80% काम कर देती है, 20% तो आपने साथ बैठ के मिलकर कंपनी में काम करना है। यस सर नो राइट, तो इसलिए इन इन इवेंट के अंदर आपने आना है। और आपकी जानकारी मैं बता दूं, अगला हमारा इवेंट इसी तरीके का प्यारेलाल भवन रोड के उस तरफ है, आईडीओ के जो मेन जो अपना कितना वो है बेटर नंबर मेट्रो गेट नंबर 4 के पास में हमारा एक हॉल है प्यारेलाल भवन, वहां पर अगले महीने की 18 तारीख को इसी प्रकार का भव्य रूप में हमारा एक इवेंट होने वाला है, लगभग 700 लोग बैठने वाले हैं। और वो इवेंट के अंदर मैं भी रहूंगा, हमारे मेरी पूरी दिल्ली से आएगी, दिल्ली की टीम वहां पर रहेगी, एंड उसकी डेट है 18 अप्रैल और टाइम है उसका दिन में 2:30 बजे का, उसकी भी टिकट आने वाले वक्त में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी राइट। तो ये हमारे इवेंट है। लास्ट, डेवलप पैशन फॉर पीपल एंड ट्रेवलिंग। आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो एक क्वालिटी और डेवलप करनी है, लोगों के साथ बात करने की आपको जो एक पैशन है वो डेवलप करना है। कुछ लोग होते हैं तो लोगों से बात करने में डर लगता है या मन नहीं कर रहा है, तो इस भावना को छोड़ना है, डर के बावजूद भी आपने सीखना है। जब कार पहली बार सामने आती है, बाइक सामने आती है, चलाने मन करता, डर भी लगता है ना, यस और नो? यस। स्कूटी से गिर गई तो क्या होगा, कार किसकी लगी तो क्या होगा, डर लगता ही लगता। लेकिन आप क्या उस डर की वजह से घर बैठ जाते हैं या डर के बावजूद भी कार चलाना सीखते हैं? यस और नो? इसी प्रकार से जब लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, डर लगता है, उसके बावजूद भी आप बात करने की तरफ पहल करें, तो जैसा आप कार चलाना, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना सीख जाते हैं डर के बावजूद भी, ऐसे ही आप डर के बावजूद लोगों से बात करना भी सीख जाएंगे, लेकिन करें। और साथ में ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब आपको ये बिजनेस आपके घर में आपके किचन में हमेशा नहीं रहने वाला, आपके पड़ोस के घर से, आपके अपने घर से, आपके पड़ोस के घर तक आपकी पहले ट्रैवलिंग होगी, लेकिन वो ट्रैवलिंग आपकी वहीं तक सीमित रहेगी। वहां से आप हो सकता आने वाले वक्त में पूरी दिल्ली, प्रेंसिया और फिर अलग राज्यों में भी आपका नेटवर्क जाए। और जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ के पहुंच जाएंगे या ट्रैवल करना होगा। आज आप अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, मंत्र पढ़ के आए, ट्रैवल करके आए, इस ट्रैवलिंग के लिए आपको अपने आप तैयार रखना है। ये ट्रैवलिंग और लोगों से बात करने का पैशन, ये दो क्वालिटी अगर आपने अपने डेवलप कर ली तो इस बिजनेस के अंदर आप टॉप पोजीशन से पहुंचेंगे।